हाय फ्रेंड्स, मैं हूं अनुराधा। आज मैं बना रही हूं कद्दू का सांभर। तो चलिए बताते हैं कैसे बनाएंगे आज इसे। पैन में 1 चम्मच तेल डाल के तेल को गर्म कर लिया है। अब इसमें 1/2 चम्मच मेथी, 4 से 5 लहसुन की कलियां और थोड़ा सा अदरक, इन सबको सौटे कर लेंगे। उसके बाद हींग डाल देंगे और इसी के साथ 2 प्याज कटे हुए। प्याज को चलाते हुए अच्छे से भून लेंगे। वैसे तो आप लोग सांभर को बॉयल करके भी बना सकते हैं, बट इस तरीके से बनाएंगे तो और टेस्टी बनता है। अगर आप लोगों के पास समय है तो इस तरीके से सांभर को बना लें। प्याज लगभग आधा भुन चुका है। अब इसमें 2 हरी मिर्च डाल देंगे। अगर आप लोग रेड चिली खाना पसंद करते हैं तो रेड चिली डाल दें। इसके बाद पूरी तरीके से प्याज को भून लेंगे। तो चलिए, लगभग प्याज भून के तैयार हो चुका है। अब इसमें डाल देंगे हम टर्मेरिक पाउडर 1/2 चम्मच तक। हल्दी को अच्छे से भून लेंगे कम से कम 1 से 2 मिनट तक। हल्दी को अच्छे से भून जाने के बाद इसमें 1/2 चम्मच रेड चिली पाउडर। नेक्स्ट अब हम इसमें डाल देंगे कद्दू। 250 ग्राम ये कद्दू है। कद्दू को डालने के बाद गैस का फ्लेम थोड़ा हाई कर लें और प्याज के साथ ऐसे ही भून लेंगे इसको। जैसे जैसे ये भूनेंगे इसमें पानी छोड़ देता है ये। उसके बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा हम नमक। लगभग 1/2 चम्मच तक हम नमक डाल देंगे इसमें और नमक को कद्दू के साथ मिक्स कर देंगे अच्छे से। नमक सब्जी के साथ अच्छे से मिक्स हो जाने के बाद इसमें हम डाल देंगे टमाटर। 2 टमाटर हैं ये कटे हुए। इसको डाल के बराबर चलाते हुए पका लेंगे सब्जियों को। टमाटर, प्याज, कद्दू जो भी सब्जियां हैं इसके साथ अच्छे से मिक्स हो जाएं। फिर हम इसको ढक के पकाएंगे कम से कम 4 से 5 मिनट लो फ्लेम पर। तो चलिए अब इसको हम ढक देंगे 4 से 5 मिनट के लिए और गैस को एकदम लो कर देंगे जिससे ये सब्जी अच्छे से पक जाए। ये देखिए, यहाँ पर लगभग कद्दू आधा पक चुका है। एक बार इसको चला देंगे, फिर से इसको थोड़ी देर के लिए हम पका लेंगे। बीच बीच में चेक कर लें, ज़्यादा नहीं, 4 से 5 मिनट ही इसको ढककर पकाएं और बीच में चेक कर लें, जैसे मैंने बीच में एक बार चेक किया था। चलिए, सब्जी बनके तैयार हो चुकी है। अब इसमें हम दाल मिला देंगे। दाल को मैंने बना के रखा था पहले से। 1/2 कटोरी दाल है ये। 200 ग्राम तक दाल थी, लगभग एक छोटी कटोरी दाल थी। 4 से 5 सीटी नमक डाल के मैंने पका लिया था और कुछ नहीं डाला, बस सिंपल दाल को पका लिया था। तो चलिए अब चलाते हुए ऐसे ही इसको गाढ़ा कर लेंगे। गैस को यहाँ थोड़ा हाई कर लें, बराबर जिसको चलाते रहें जैसे ये नीचे लगे नहीं। अब इसको थोड़ा सा हम पकने के लिए ढक देंगे कम से कम 2 से 3 मिनट। 2 से 3 मिनट हो जाने के बाद इसको वापस फिर से चलाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, कितना इजी है ये सांभर बनाना। अब गैस को लो कर लें। इसमें हम डाल दें इमली का पानी। इमली का पानी अपने अनुसार कप ज़्यादा करके डाल सकते हैं, जैसा आपको खट्टा पसंद हो। अगर आप लोगों को खट्टा पसंद नहीं है तो थोड़ा सा कम करके डालें इमली को। तो चलिए अब इसमें हम डालेंगे एवरेस्ट का सांभर मसाला। बहुत ही टेस्टी होता है ये, और मसालों से बहुत ही अच्छा लगता है इसका मसाला। गैस को बिल्कुल लो कर लें और उसको चलाते हुए मसाले को मिक्स कर लें। बस अब ये सांभर बन के तैयार है। इसको वैसे ही चलाते हुए 1 से 2 मिनट ऐसे ही पका लें और इस सांभर को डोसा, इडली, राइस इनमें से किसी के साथ भी बना के खा सकते हैं। अब इसको हम सर्व कर लेते हैं। ये देखिए आप, कितना अच्छा कलर आया है सांभर का। तो आप लोग क्या सोच रहे हैं, इसी तरीके से सांभर को बनाएं और इन्जॉय करें। थैंक यू।